अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम अपना कूड़ा क्रिकेट घर के बाहर डस्टबिन में डालते हैं और इसको उठाने के लिए कई लोग काम करते हैं। इनकी यही जॉब होती है, मगर कभी कभी इन लोगों को कूड़े में से ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इनको अमीर बना देती हैं। और ऐसे कुछ लोग आज हम आपको दिखाएंगे, और कुछ ऐसे भी जिनको अचानक कुछ ऐसा मिला जिससे उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कई सारी कंपनियां नोटों को ज़ाया करती हैं अपने किसी प्राइवेट रीज़न की वजह से। इसके लिए वो नोटों को मशीन में डालते हैं जहां वो बारीक टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। ऐसे ही 2012 में एक कंपनी ने नोट ज़ाया किए। ये कंपनी जापान की थी और वहाँ एक आदमी रद्दी उठाने आया तो उसे कुछ बैग्स में ज़ाया किए हुए नोट मिले, जबकि एक बैग में नोट बिल्कुल सही थे। शायद वो कंपनी इनको ज़ाया करना भूल गई। इनकी मालियत लगभग 90 लाख थी, और फिर इस आदमी ने इन पैसों को वापस करने के लिए इनके मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर ना ही उसको पुलिस ढूंढ सकी और ना ही वो आदमी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के एक एयरपोर्ट पर एक आदमी रोजाना की तरह सफाई कर रहा था। जब वो कूड़े वाले डब्बे उठा रहा था तो उसे एक डब्बा काफी भारी लगा। उसने वो डब्बा खोला और अंदर देखने लगा तो उसको कचरे के अंदर एक कागज का पैक मिला, जिसके अंदर उसे 7 सोने की ईंटें मिली जिनकी मालियत 2,70,00,000 थी। उसने फौरन पुलिस को बताया, लेकिन काफी अरसे तक जब कोई भी उस सोने का मालिक उसे लेने ना आया तो ये सारा सोना इस कचरा उठाने वाले को दे दिया गया। फिर क्या था, इसकी तो जिंदगी ही बदल गई। दोस्तों, आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना होगा, इसने सबके होश उड़ा दिए हैं। अपने लॉन्च होने के एक साल बाद इसकी वैल्यू सिर्फ 2 रुपए थी, मगर अब 2021 में ये एक कॉइन तकरीबन 40 लाख से भी ज्यादा का है। यानी अगर आपने 2011 में 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते तो आज आप करोड़ों के मालिक होते। ऐसे ही 2011 में क्रिस्टोफर कोच नाम के एक आदमी ने $27 के बिटकॉइन खरीद लिए और ऐसे इसे 5,000 बिटकॉइन मिले। इसके बाद वो इसके बारे में भूल गया, मगर 2013 में जब अचानक बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई तो उसे भी याद आया, और जब उसने साइट पर लॉगिन किया तो उसे पता चला कि इसके पास 5,000 कॉइन है जिनकी कीमत 6,64,00,000 थी। यानी ये आदमी अचानक से अमीर बन गया। अब तो हर मुल्क इस करेंसी को लीगल बना चुका है, लेकिन आप लोग इसकी ट्रेडिंग में बेहद एहतियात से काम लें। दोस्तों, बॉब नाम के एक आदमी को एक घर के बाथरूम को तोड़कर दोबारा से बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और जब वो इस बाथरूम की दीवारों को तोड़ रहा था तो उसको दीवारों के नीचे से एक बॉक्स मिला जिसमें 1920 के कागजों से भरे लिफाफे थे। इसके अंदर से इसे करोड़ों रुपए मिले, और इन लिफाफों पर एक न्यूज एजेंसी का नाम लिखा हुआ था। बाद में पता चला कि ये पैसे एक पैट्रिक नाम के बिजनेसमैन के थे जिनको उसने टैक्स बचाने के लिए छुपाया था। इसके बाद बॉब ने मकान मालिक को बताया तो उन दोनों में रकम बांटने पर झगड़ा हो गया और मामला अदालत में चला गया, जिस पर अदालत ने सारी रकम को 21 काम करने वाले और घर मालिक और बॉब में बराबर तकसीम कर दिया। कुछ लोगों की जॉब सड़क पर सफाई करने की होती है। ऐसे ही इंडियानों की एक सड़क पर दो लोग सफाई कर रहे थे तो उन्हें वहां से एक टायर मिला जिसके अंदर 71,00,000 रुपए थे। असल में ये टायर गाड़ी के पीछे लगा हुआ स्पेयर टायर था जो गिर गया था। इन्होंने रकम के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन काफी अरसे तक कोई भी इन पैसों को लेने ना आया तो पुलिस ने ये पैसे इन दोनों सफाई वालों में बांट दिए। दोस्तों, जॉन नाम के एक आदमी ने एक पुराना गैराज खरीदा जिसके उसने 75,000 अदा किए। ये गैराज उसने एक बूढ़ी औरत से खरीदा। इसके अंदर से जॉन को कई नायाब सिक्के मिले और चांदी के बार्स भी मिले। ये इतने वजनी थे कि इनको उठाने के लिए जॉन को 3 लोग बुलाने पड़े, मगर जॉन की जिंदगी इस गैराज ने बदल दी। दोस्तों, एंथनी डोलन नाम के एक आदमी के पास 16 एकड़ की प्रॉपर्टी थी और वो हर हफ्ते जमीन में चक्कर लगाने जाते थे। एक बार जब वो गए तो उन्हें एक जगह नजर आई जो थोड़ी नीचे थी। उन्होंने इस जगह खुदाई की तो उन्हें एक सोने की कान मिल गई, और सोचें जिसकी सोने की कान हो वो कितना अमीर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।